देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एम्बुलेंस के भीतर जन्मे एक नन्हे बच्चे ने इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दरअसल मोरना ब्लॉक के रुड़कली गांव से कल देर शाम 9:30 बजे मोरना CSC में पहुंची एक गर्भवती महिला मेहराना को डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया था। आपको बता दें कि मोरना ब्लॉक के रुड़कली गांव से एक गर्भवती महिला मेहराना को उसके परिवार वाले 102 नंबर एम्बुलेंस से मोरना CSC लेकर आए थे। मेहराना के जेट इंतजार का कहना है कि CSC के डॉक्टर ने हमारे मरीज को तवज्जो नहीं दी, जिस पर मेहराना की तबीयत बिगड़ने लगी। हमने फिर वहाँ डॉक्टरों से कहा कि हमारे मरीज को मुजफ्फरनगर रेफर कर दो, तो गर्भवती महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि CSC में 102 नंबर की एम्बुलेंस खड़ी थी और डॉक्टरों से जब पीड़ित परिवार ने 102 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजने को कहा तो उन्होंने बोला कि 102 नहीं जाएगी, 108 पर फोन करो। उनका कहना है कि हमने 108 पर फोन किया तो करीबन 1.25 घंटे में एम्बुलेंस आई, हम वहां से चले तो रास्ते में हमारा बच्चा हो गया तो कुछ ही देर में मर गया। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी PS मिश्रा ने कहा कि वह खुद मोरना CSC जाकर जांच करेंगे और इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संवाददाता दीपक वत्स की रिपोर्ट। और हमारे यहाँ से बच्चे की होने की तकलीफ हुई हमारे पेशेंट को, तो हमने 102 नंबर पर फोन किया, हमारे लिए एम्बुलेंस आ गई, हम लेकर मोरना चले गए। वहाँ जाकर डॉक्टर ने को दिखाया, उन्होंने को हमारे लिए तवज्जो नहीं दी। और जब काफ़ी टाइम हमें वहाँ हो गया, मरीज हमारा तड़फ रहा था, हमने कहा डॉक्टर ने को भाई हमारा रेफर कर दो मुजफ्फरनगर के लिए। उन्होंने इतनी गौर नहीं दी, जबकि वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा 108 नंबर पर फ़ोन करो, हमने कहा भैया ये यहाँ खड़ी है एम्बुलेंस, नहीं भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, 108 नंबर पर फ़ोन करो। 108 नंबर पर फ़ोन किया, हमारे लिए एम्बुलेंस जब आई तो वहाँ से हम लेकर चल दिए, तो भोपा के आसपास जाके हमारा बच्चा रास्ते में ही हो गया। कितनी देर में एम्बुलेंस वहाँ पे? वहाँ से एम्बुलेंस आई कोई 1.25 घंटे के आसपास, 1.25 घंटे में हमारा बच्चे की डेथ हो गई। हमारे लिए कोई तवज्जो नहीं दी डॉक्टरों ने, हम बहुत परेशान रहे, बहुत खुशामद की, पर कोई तवज्जो नहीं दी हमारे लिए। अपने टेलीफोन से 108 नंबर पर टेलीफोन किया था और एम्बुलेंस लेट आने के कारण मरीज हमारा तड़प रहा था, एम्बुलेंस लेट आने के कारण हमारा बच्चा रास्ते में एक्सपायर हुआ और वो एम्बुलेंस वाला जो है हमारे पास आ गया और उल्टा हम पे ही हटने लगा कि अब जब दो एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हुई थी आपने मुझे भोपाल से क्यों बुलवाया। हमने उसे शांत किया, शांत करके हम उसको अपने मरीज को लेकर गए, उसकी खुशामद करी। लेकिन जो मैडम वहाँ बैठी हुई थी उसने वहाँ उन एम्बुलेंस की सुविधा हमें नहीं दी। हमारा बच्चा जो है भोपाल से आ के निकल करके रैकड़े की पुलिया के पास जा, वहाँ मरकर वो बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया और एम्बुलेंस में कोई सुविधा नहीं मिली। अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों ने डाला है मामला और सही में ये बहुत दुख की बात है, जैसा आपने बताया दिया ऐसा हुआ है तो। और हमने भी संपर्क किया अपने वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से, वो अभी ड्यूटी करके हटे हैं और उनकी ड्यूटी आज दिन में थे। रात में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उस डॉक्टर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है और निस्संदेह मेरे लिए बहुत ही गंभीर मसला है, ये चिंता की बात है मेरे लिए कि ऐसा हुआ है तो। जैसा आपने बताया कि 102 वाली गाड़ी ने आने से मना किया और नहीं ले आई, बाद में 108 की गाड़ी से आई और घटना हुई, और इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं इसकी कली जांच करता हूं और पता करता हूं किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं किसी बात ऐसी घटना दुर्घटना नहीं होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, निस्संदेह होनी चाहिए। मैं निस्संदेह करूँगा भी, इसको इग्नोर करने का या चिकित्सक को बख्शने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इतने साधन मुहैया करा रही है जनता के लिए, और यदि इसका उपयोग ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इससे गंभीर कार्रवाई करूंगा और इसका संज्ञान में ले लिया, मैंने बात भी की है, क्योंकि उस चिकित्सा से बात नहीं हो पाई जिसकी नाइट ड्यूटी थी, और जैसे बात होती है नहीं कल सुबह तो वैसे बात होगी और मैं कोशिश करूँगा, मैं कल सुबह जाऊँगा मरना, सारे रिकॉर्ड देखूँगा, पता करूँगा और अवश्य ही गंभीर कार्रवाई करूँगा। मैं बहुत ही चिंता का विषय है मेरे लिए। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।